हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन केमिकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम साइंस के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक वाइज साइंस को देखने वाले हैं, जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी ओरिएंटेड होगा। बिल्कुल रेलवे को ओरिएंटेशन लेकर हम साइंस के एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब हमारे एक एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आइए हम टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। इन सबसे रेलवे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप विगत वर्ष के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन यहां सबसे पूछा गया है। तो टॉपिक वाइज एक टॉपिक करके हम डिस्कस करेंगे। संयोजन अभिक्रियाएँ क्या है भाई? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो उनसे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। भाई बात क्लियर होती है? हम टॉपिक पर अगर बात करें कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करेंगे तो उनके संयोग के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम एग्जांपल से बात क्लियर करेंगे। जैसे हम मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम के रिबन को हम ऑक्सीजन की वायु से गर्म करते हैं। भाई मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की वायु से गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसे हम बैलेंस कर सकते हैं। भाई दो से मल्टीप्लाई यहां कर दे तो 2Mg वो हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर? और हम कुछ इसके एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे। जैसे हम कार्बन को हम ऑक्सीजन की वायु से गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये गर्म करेंगे, डेल्टा का सिंबल यूज होता है गर्म होने पर, है ना। ऐसे हम सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन को वायु की ऑक्सीजन से गर्म करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को वायु की ऑक्सीजन से गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। सीधे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है C+O2 CO2, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऐसे चार ऑप्शन दिए होते हैं, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। तो ये सभी अभिक्रियाएँ संयोजन अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। और इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हम देखेंगे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आपसी में संयोग होने से क्या बनता है? जल के अणु का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं और जल का निर्माण होता है, या क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया है। हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, 2H2+O2 तो एरो 2H2O, दो अनुपात एक अनुपात में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, जिसे जल के निर्माण होने की प्रक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, है ना। ऐसे और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। भाई हम बात करें सल्फर गंधक को वायु की ऑक्सीजन से गर्म करेंगे जिसे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये सल्फर है, गंधक है, है ना, इसे हम गंधक भी कहेंगे। सल्फर को वायु की ऑक्सीजन से गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये सभी संयोजन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हैं, ये सभी एडिशंस रिएक्शन हैं, संयोजन अभिक्रियाएँ हैं। ऐसे इनके एग्जाम्पल के तौर पर ही पूछ लिया जाता है। और आरआरबीज में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दीज रिएक्शन आर विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये अभिक्रियाएँ किस प्रकार की हैं। तो ये सभी अभिक्रियाएँ एडिशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रियाएँ हैं, है ना। ये सभी अभिक्रियाएँ कैसी हैं? एडिशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रियाएँ हैं, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और एक निश्चित ताप पर आपस में अभिक्रिया के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यह संयोजन अभिक्रिया है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। भाई यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ जल का ऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड जल बनता है, यहाँ सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ये सभी अभिक्रियाएँ क्या हैं? संयोजन अभिक्रियाएँ हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंतर्गत आते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट सेकेंड जो केमिकल रिएक्शंस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो सेकेंड टाइप है वह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। हम डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। भाई विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ या एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देता है, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। आइए हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। हम देखते हैं
कि कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक की रॉड डाली जाती है, कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक की एक रॉड, एक छड़ डाली जाती है, और जो जिंक होगा कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की रॉड पर कॉपर अपचयित हो जाता है और जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यह विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, है ना। हम बात करेंगे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक की रॉड, जिंक की छड़ डालते हैं और ये कॉपर जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिंक की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, ये जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर अपचयित हो जाता है। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, है ना। ऐसे हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में कॉपर की रॉड डालते हैं तो इसमें कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह अभिक्रिया भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी यौगिक में परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देते हैं तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये बात रही अभिक्रियाओं की। ऐसे हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, रासायनिक कार्बनिक अभिक्रियाओं पर हम बात करेंगे। हम जैसे बात करें मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं। डिफ्यूज्ड सनलाइट, विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे मेथिल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। यह अभिक्रिया कैसी है, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। भाई मीथेन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान मेथिल क्लोराइड और HCl बनता है, या किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, है ना। आइए हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे एथेन C2H6 की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है भाई। तो यहाँ एथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड बनता है, C2H5Cl बनेगा प्लस HCl बनता है, एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है, है ना। तो यह अभिक्रिया कैसी होगी, यह सभी विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण है, ये सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। कई बार ऐसे पूछे गए हैं NTPC में और RBs में पूछे गए हैं कि अभिक्रियाओं के टाइप्स क्या हैं, दीज रिएक्शंस विच आर टाइप्स, कई बार पूछा गया ये अभिक्रियाएँ किस प्रकार की हैं, है ना। जैसे एथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया के दौरान एथिल क्लोराइड बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसे हम एक एक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर इनके हम क्या डिफिनीशंस को लेकर उनके एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, हम इसे समझ सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं का समूह जब किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित करता है तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। कुछ इनके एग्जाम्पल रहेंगे, ये बात क्लियर होती है। नेक्स्ट रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, अपघटन अभिक्रिया क्या है, हम बात करेंगे कि अपघटन अभिक्रिया क्या है। आइए हम देखेंगे, जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, जब कोई यौगिक क्या हो, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाए, टूट जाए, तो यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। हम इनके एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट की बात करें, पोटेशियम क्लोरेट को ताप की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हीट के बेस पे गर्म करते हैं, तो ये क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, कई बार पूछा जाता है, ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है, है ना। ऐसे हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं, हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को टेम्परेचर देते हैं, इसे गर्म करते हैं, हीट देकर इसे गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। यह अभिक्रिया भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वैसे वियोजन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है, वियोजन अभिक्रिया अगर ताप के प्रभाव में अभिक्रिया हो रही है तो उसे हम तापीय अपघटन कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, है ना।
कई बार ऐसे भी पूछा गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है अगर सनरेज की उपस्थिति में क्रिया हो रही है तो, तापीय अपघटन कहा है अगर विद्युत की उपस्थिति में क्रिया हो रही है तो विद्युत अपघटन कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहा जाता है ना। और अगर हम बात करें तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन और कैसी क्रियाएं हो सकती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो रही है तो उसे हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं, लाइट की उपस्थिति में क्रिया हो रही है तो प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है ना। ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो ये अपक्रियाएँ इस प्रकार की होंगी, कई टाइप्स के होते हैं। ये सभी अपक्रियाएँ किस टाइप की हैं, तो ये सभी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन अपक्रिया है, तापीय अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। ये आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। इसकी हम बात करें तो हम वाटर, जल को अपक्रिया कराते हैं, जल को विद्युत आर्क की उपस्थिति में गर्म करते हैं। भाई जल में हम विद्युत आर्क की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे और ये क्या निर्माण करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। यह अभिक्रिया क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये बात क्लियर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन NTPC में पूछे गए हैं, जल का हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है, यह विद्युत अपघटन का उदाहरण है। ऐसे हम बात करेंगे लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन और लेड ऑक्साइड का निर्माण करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये अभिक्रिया भी क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। हम प्रकाशीय अपघटन की बात कर सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कई सारी अपक्रियाएँ होती हैं। जैसे हम बात करेंगे प्रकाशीय अपक्रिया क्या होती है तो सिल्वर क्लोराइड क्या है, सिल्वर क्लोराइड होता है, इसे हम तेजी से हीट करते हैं, गर्म करते हैं और ये सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार की अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी, इस प्रकार की अपक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है तो इसे हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं, है ना। ये क्या होगा, सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाती है तो ये क्रिया क्या होती है, तापीय अपघटन या प्रकाशीय अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्टिकल क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन प्रक्रिया कहलाएगी। ऐसी बात क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, अब नेक्स्ट रिएक्शंस पर बात करते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया। भाई द्विविस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के आयनों का आपस में एक्सचेंज हो जाए, आपस में विनिमय हो जाए तो यह अपक्रिया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। भाई क्या होगी, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों का आपस में विनिमय हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में, है ना, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में हम क्या मिला सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं और इन्हें आपस में हीट करेंगे तो क्या निर्माण होता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं, आपस में आयनों के एक्सचेंज हो जाते हैं जिससे क्या निर्माण होता है, या हम सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड की क्रिया करा सकते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनती है। ये ज़्यादा अथेंटिक अभिक्रिया होगी और यह अभिक्रिया कैसी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ऐसे हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं, एसीटेट मतलब क्या होगा, एसिटिक एसिड की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, एसिटिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है और H2O बनती है, सोडियम एसीटेट बनता है और H2O जल बनती है। और ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, कई बार पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पूछे ही जाते हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या हम इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। एसीटेट आयन और क्या होगा, सोडियम आयन, सोडियम एसीटेट बनाता है और H2O बनाते हैं, जल का निर्माण करता है, तो ये अभिक्रिया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
तो ये बात क्लियर होती है भाई। तो हमने कुछ अभिक्रिया के प्रकारों पर डिस्कस किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, ये काफ़ी टॉपिक ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरआरबीज के लिए, रेलवे की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस के क्वेश्चंस में ये सब काफ़ी पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ टॉपिक पर हमने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया, और ऐसे ही लगातार हम वीडियोज लेकर आते रहेंगे। हम अगले टाइप पर कुछ और अलग नेक्स्ट टाइप पर एसिड बेस एंड साल्ट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आरआरबीज के लिए, एनटीपीसी, रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो केवल रेलवे ओरिएंटेड पेपर होंगे। रेलवे ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की टॉपिक यहीं तक, और ऐसे ही हमारे और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।